हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रजनीस लाइव। तो ये हमारा 2022 का पहला दिन है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब जनवरी 1, 2022। हम लोग घूमने गए थे भवानीपटना के पास में ही एक सुखना वोटा बोल के गाँव है, वहाँ पर इतना खूबसूरत सा मंदिर है, हम लोग को भी नहीं पता था, अभी फिलहाल में बनाया गया है। और ये कल्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैंने एक बार शेयर किया था, वही रास्ते में ही है। तो हमें हमारा देवर जी वो अभी आए हैं, वो और मेरे हस्बैंड और दिव्यांशी को जो दिखाती हूँ ना मैं, दिव्यांशी का मम्मी पापा, वो हम लोग से मिल के गए थे, नाश्ता वगैरह ख़त्म करके गए थे, क्योंकि दिव्यांशी का जो मम्मी पापा है वो लोग चले जाएंगे, मतलब उनका पापा का ट्रांसफ़र हो गया है दूसरा जगह। तो वो लोग डिसम्बर 31 को ही जाने वाले थे, पर हम लोग उनको रोक लिए क्योंकि उस दिन पार्टी था। तो हम लोग बोले खाना पीना कर लेंगे, कर लीजिए, फिर उसके बाद दिन जाइएगा। तो जनवरी 1 में हम लोग उन लोगों को घुमा फिरा के लोग रात में चले जाएंगे। हम लोग होटल में भी नहीं खाए इसलिए, क्योंकि आज हम लोग के घर में पूरा अरेंजमेंट था, आज मतलब जनवरी 1 को वो लोग हमारे साथ मिलजुल के खाए और फिर चले गए। तो ये खूबसूरत सा मंदिर देखिए, दिव्यांशी भी चली गई तो थोड़ा सा दुख लग रहा था। और ये खूबसूरत सा मंदिर यहाँ पे इतना खूबसूरत सा था ना, मुझे थोड़ा इग्नोर करिए क्योंकि मैं थोड़ा मोटी दिख रही हूँ ये साड़ी में, और मेरा हाइट थोड़ा ज़्यादा है ना, तो थोड़ा मैं बेंड हो जाती हूँ, तो बेंड हो ही जाती हूँ, क्या करूँ, ट्राई करूँगी नहीं होने के लिए, तो छोड़िए। तो और ये मंदिर है ना, पर लगभग आसपास 4 मंदिर बनाया गया, एक मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो पहला जो मंदिर एंट्री किया वो थे गणेश भगवान जी, देन ये जो है ये हमारा हनुमान जी का है। साइड में एक बहुत बड़ा सा स्कूल भी बनाया गया, बहुत ही प्यारा सा जगह है, इतना खूबसूरत सा माहौल है। ऐसे भी ना भवानीपटना कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट का ना हर जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जहाँ भी घूमने जाती हूँ शेयर करते रहती हूँ। और एक राधे कृष्ण का मंदिर है और एक शंकर भगवान का मंदिर, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, वहाँ पर ही पूजा हो रहा था, मानसिक पूजा। तो हमारे ओडिशा में ऐसे भोग बनता है, दालमा भात या तो घंटो ऐसा बनता है, तो ऐसे सब्जी काटने का मतलब चल रहा है, सब्जी काट रहे हैं। यहाँ पर ना पंडित जी लोग का घर भी है, वहाँ पर खाना भी बनता है। और हम लोग मतलब राधे कृष्ण का मंदिर का जो आर्किटेक्चर है ना, मुझे इतना प्यारा लगा। मुझे जो मुगल साम्राज्य जब था ना, जो पहला जो एंशियंट आर्किटेक्चर था वैसा टाइप का पूरा, वो टाइम में मैं चली गई जैसा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिलहाल में जो हम लोग एनिवर्सरी में दिल्ली वगैरह आगे साल जो गए थे, हम लोग सब जगह वृंदावन मथुरा वगैरह भी गए थे, वहाँ पर इतना अच्छा मतलब पूरा लग रहा था वृंदावन आ गए। तो देखिए ये देखिए वही जो राधे कृष्ण का मंदिर, मैंने 2-2 बार वीडियो ली, मुझे इतना प्यारा लग रहा था ये मंदिर। तो ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा सा माहौल, बहुत ही अच्छा मंदिर। ऊपर से दिव्यांशी बहुत सारा कॉमेडी तो करते ही रहती है, उसका बातचीत में कॉमेडी रहता ही है। और इसके साइड में एक बहुत प्यारा सा पार्क भी है, हम लोग वहाँ भी गए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। राधे कृष्ण का मंदिर में यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही रुक गई थी, बढ़िया बोलने जानती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। देखिए इसका खूबसूरत गोल होके बनाया गया ना, बहुत सुंदर लग रहा था। और जो गेट है ना वो बंद था, तो राधे कृष्ण जी का फोटो उतना क्लियरली नहीं आ रहा था, फोटो तो नहीं है मूर्ति ही है, नहीं आ रहा था, फिर भी यहाँ पर हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ফোনটা তো ভিতরে রাখি গেছো মামা না ফোনটা টিকে ফোন দিলো ফোন দেখ
हाँ जी हाँ नमो नमो करें और ना ये जो मंदिर का जितना सराउंडिंग है ना उस सराउंडिंग में है ना बीच बीच में से जो पुराना मंदिर नहीं रहता था जैसे कोणार्क मंदिर है हमारा उड़ीसा में खजुराहो मंदिर उसमें जो नर्तकी लोग का भी फोटो बनाया मूर्ति बनाया जाता था वैसा टाइप का भी बीच बीच में दिखा रही हूँ ना वैसा पूरा बनाया गया था। और अभी हम लोग उसके पास में ही जो पार्क है बहुत ही साफ़ सुथरा पूरा क्लीन रखे थे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी और भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बस अभी हम लोग यहाँ एंट्री किए बहुत ही अच्छा लगा हम लोग आगे यहाँ पे। ये भवानीपटना से लगभग मुझे लग रहा है 10-12 किलोमीटर के अंदर होगा सुखना भुट्टा बोल के गाँव है वहाँ पे। हम लोग को भी नहीं पता था जैसे बोली ये मंदिर अभी 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 ही बनाया गया है फिलहाल में ही। कहीं ये लगा हुआ बात खोली नहीं अरे ऐसे मम्मी है ती अंकल इडा आउ दो तीन वर्ष वाला बढ़िया है हाँ ना ना मम्मा आंटी ना देखे दिन इडा कौन इडा हीरा मत बोलिए ना इडा तो ते इडा बोल ले हाँ ना मेरे हस्बैंड वीडियो शूट कर रहे थे इसलिए वो मतलब वीडियो में उतना नज़र नहीं आ रहे वो सारा वीडियो शूट वही किए है। और ये जो है ना वो दिव्यांशी के पापा है जो झूला झूला रहे और सामने में मेरे हस्बैंड दिव्यांशी का वीडियो ले रहे और मेरे देवर जी भी उधर जा रहे Thank you.
अभी रिटर्न कर रहे थे घर को हम लोग, क्योंकि टाइम हो गया था मतलब लंच का। और इधर देखिए, मुझे तो मैं पहले भी बोलते रहती हूँ ना, मुझे सुकून मिलता है जो जगह में ना, वो यही सब जगह है पूरा, जो पहाड़ों के बीच में कितना खूबसूरत सा जगह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी रिटर्न करेंगे। आई होप मेरा जो ये वीडियो वगैरह ब्लॉग वगैरह आप लोगों को अच्छा लगता होगा, तो ज़रूर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ और एक ब्लॉग में, अच्छे वाले ब्लॉग में।